स्वतंत्र मजदूर यूनियन महा रैली के अंदर बहुत तादाद के अंदर यहाँ लोग अपनी शिरकत दे रहे हैं और भिन्न भिन्न विभाग से यहाँ लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या, किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर आए। सर आपका नाम? मेरा नाम बंडू वासनिक है, मैं नागपुर से आया हूँ और बिजली विभाग में काम करता हूँ। हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के डिसीजन के आधार पर हमारा जो आरक्षण है, हमारा जो पदोन्नति में आरक्षण है, वो आरक्षण जो है कि हमारा संवैधानिक हक है, वो छीना जा रहा है। संविधान के दायरे में जो आरक्षण हमको मिला है उसका गलत अर्थ निकालकर न्याय व्यवस्था के माध्यम से ये सरकार हमारी जो हमको जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार छीन रही है, उसके खिलाफ हम सरकार को जगाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सरकार या हमारी आवाज़ सुन ले और जान ले कि इनको जो संवैधानिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिए है वो हमको मिलने चाहिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो ये सरकार को हम आगे खींचे बगैर नीचे खींचे बगैर नहीं रहेंगे। ये हम इस रैली के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम उसे खचेड़ने का काम करेंगे। ये सभी एक साथी ने बताया। सर आपकी क्या मांग है और आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम जयेश खुल्ले, मैं नागपुर से आया हूँ, बिजली विभाग में काम करता हूँ जी। सर अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारी अभी जो रैली अभी शुरू हुई है, तो मुझे यही कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो अभी एक सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप मान लीजिए, आप सुन लीजिए लोगों की आवाज़, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एससी एसटीज और माइनॉरिटीज़ को दिए हैं वो आपने साबित रखना है। उसमें आपको छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं है। और अभी आप अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आप जो बेंचेस ने जो निर्णय दिए वो कैसे गलत है, इसका अभी हम लोग का सब प्रूफ अभी हमने सबने दिया है, उसका हाईकोर्ट में केस चालू भी है हमारे। तो ये जितनी भी लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं सबकी डिमांड यही है कि जो भी फैसले आए हैं वो सारे गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कोई मिटा नहीं सकता, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करेगा उसके क्या हाल होगे ये आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। सर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब मोदी जी की क्या बात करें, सारी दुनिया जानती है बोल बच्चन अमिताभ बच्चन वाला काम है। बोल बच्चन अमिताभ बच्चन तो बोलने से तो बात कैसी होती है ये सबको पता है, तो जो बोल देता है अच्छा। यही तो हमारी ये है कि लोग समझते नहीं है मोदी जी को। मोदी जी जितने प्यार से बोलते हैं वो अंदर से कितनी तक का क्या यानी घातक परिणाम उसका हो रहा है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पर इस रैली के माध्यम से सारी जनता में ये बात चले जाएगी कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो कितना सच है और कितना गलत है।